दोस्तों बिग बॉस OTT2 के लाइव फीड में इस वक्त घर के अंदर आपको बता दूं कि यहाँ पे काफी ज्यादा जेलस नजर आई हैं जिया शंकर। जी हाँ दोस्तों, बताता हूँ पूरी अपडेट क्या कुछ हुआ है, पूरा मामला। अगर आप भी यहाँ पे अभिषेक के फैन उनको पसंद करते हैं, फुकरा इंसान आपके भी फेवरेट कंटेस्टेंट में से एक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमें मालूम चल सके कितने सपोर्टर्स जो वीडियो को देख रहे हैं। मन लगता है दोस्तों ज्यादा हेटर्स वीडियो देख रहे हैं, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा करके आप सभी को लाइक जरूर करना है। साथ ही साथ दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगती है फुकरा इंसान और जिया शंकर यानी अभिषेक और जिया की जोड़ी। कमेंट सेक्शन में सभी लोग कमेंट करना ना भूले। चलिए फिलहाल मैं आपको अपडेट देता हूँ। दरअसल दोस्तों यहाँ पे रात को जो है जिस तरह से यहाँ पे टास्क हुआ, टास्क के बाद बहुत सारी फाइट देखने को मिल गई। जो यहाँ पे एक तरफ से बहुत ही स्ट्रांग ओपिनियन निकल के सामने आया पूजा का अभिषेक को लेकर के कि उनके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है उनको लेडीज़ का, वो काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगा सुनकर के और बहुत ज़्यादा अलग था, जो कि अभी तक अभिषेक के अंदर दिखा नहीं है। वो हमेशा रिस्पेक्ट से बात करते हैं, हमेशा अदब से बात करते हैं, लेकिन जो चीज़ें घर के अंदर उनके लिए हो रही है वो कहीं ना कहीं गलत है। दोस्तों आप भी इस पर अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा कि आप पूजा की बातों से सहमत हैं या फिर आपको लगता है कि अभिषेक डिसेंट लड़के हैं। चलिए फिलहाल मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आकांक्षा और अविनाश की फाइट हो जाती है, जिसके बाद आकांक्षा काफ़ी अलोन फील कर रही होती है और अभिषेक का नेचर घर के अंदर, अभी थोड़ी ही देर पहले पूजा ने जहाँ बोला कि वो लेडीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करते, वहीं दूसरी ओर बाकी लोगों का ये मानना है कि अभिषेक उनको बिग बॉस के घर के अंदर भी यहाँ पे फैमिली वाला फील देते हुए नज़र आते हैं और उसको हग करते हुए यहाँ पे नज़र आई आकांक्षा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुखी थी और घर के लिए बहुत ज़्यादा उनको याद आ रहा था। जिसके बाद दोस्तों बगल में ही खड़ी यहाँ पे वो जिया सब कुछ देख रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा जेलस फील करते हुए नज़र आ रही थी, क्योंकि वो भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दुखी थी और उनको भी हक चाहिए था। अब दोस्तों आपका क्या है इस पर रिएक्शन, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा कि आपको क्या कुछ कहना है इन दोनों के बारे में।